हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक और नई माइनक्राफ्ट वीडियो में। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हो कि लास्ट एपिसोड में हमने किया था काफ़ी सारा आयरन माइन, और उस आयरन के साथ हमने बनाए थे अपने लिए आर्मर और कुछ टूल्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्वॉर्ड और कहते हैं एक्स पहले से ही था, तो हमारे पास अभी 33 और आयरन इनगट है और उसको हम यूज़ करने वाले हैं और भी ज़्यादा माइनिंग करने के लिए, और वो रहेगी माइन वाई लेवल 0 से नीचे। एंड उसी के साथ हमारे पास काफ़ी सारे एनिमल्स भी हैं, उनको हमने ब्रीड किया है और हमारी फील्ड ऑलमोस्ट पकी चुकी है, तो इसको भी हार्वेस्ट करके और ज़्यादा एनिमल ब्रीड करते हैं और उनसे हम थोड़ा रो मीट या फिर रो मटन ले लेते हैं, जो कि हमारी हेल्प करने वाला है अचीव करने में आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव, जो कि है हम बनाने वाले कुछ फ्रेंड्स, कुछ भी जो कि मिलेंगे उस जगह पे, वो है उनका घर। तो देखते हैं उनके साथ हमारा फर्स्ट इनकाउंटर कैसा रहता है। तो उसके लिए पहले काफ़ी सारा फूड इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टफ हैं, ऐसे मार मार के ना बिल्कुल हंगर कम कर देंगे और ये 16 कुछ भी नहीं टिकने वाले। एंड उसी के साथ अपनी इन्वेंट्री खाली करके आयरन इधर ही रख देते हैं जो काम का नहीं है, तो ये आयरन रख देते हैं इधर, एग भी नहीं, ये भी काम का नहीं है, जो भी चीज है वो रखते थे इस साइड में। तो चलिए इसी के साथ अब अपना ये जो फील्ड है वीट है इसको काट लेते हैं और अपने एनिमल को भी ब्रीड कर लेंगे। तो चलिए गाइस, हमने अपनी सारी वीट काट ली और आई गेस अभी कुछ खाली जगह बची नहीं है, एंड इन बचे हुए सीड से हम कर लेते हैं अपना ब्रीड चिकन्स को, ये जितने भी चिकन है सबको खिला देते हैं। आई गेस अभी के लिए कितना हमारे पास 9 रो बीफ है और 11 रो चिकन है, तो इनको कर लेते हैं अपन कुक। तो उसके लिए डाल देते हैं यहाँ पे रो चिकन एंड इस फर्नेस में डाल देते हैं अपना रो बीफ, तो काफ़ी खाना होता है। और बाकी बचे हुए इन ब्रेड से बना लेंगे हम, इन वीट से बना लेंगे हम ब्रेड। तो उसके लिए ये आई गेस ना ऐसा नहीं, एक रैंक इकट्ठा करते हैं कर लेते हैं ये अपना बैग। एंड उसी के साथ क्या अपना ब्रेड बना लेते हैं, ब्रेड बनाने की रेसिपी तीन इधर तीन तीन रखने, तो ये इधर इक्वली रख लेते हैं, अपने पास बन के 16 ब्रेड। तो ये दो आइटम काफ़ी हैं, अपना एक्स इधर रख लेते हैं जिसकी हालत अभी थोड़ी ख़राब है, तो एक और एक्स बना लेते हैं। और उसके लिए हमको निकालने पड़ेंगे यहाँ से कुछ आयरन, यहाँ पे दो रख लेते हैं, इससे बना लेते हैं एक एक्स्ट्रा और, जिसके लिए ये रख देते हैं एक यहाँ पे रखना है, एक्स बना लेते हैं। और उसी के साथ हमारे पास वूल है ना, तो उससे बना लेते हैं एक बेड बना लेते हैं, और वहाँ पे अगर रात हो गई तो उस रात को भी हमें बना लेते हैं। उसके लिए हमारे पास प्लैंक्स तो हैं ही, रखते हैं यहाँ पर तीन, और वूल को रख लेते हैं यहाँ पर एक और ब्रेड। अरे कहना क्या चाहते हो, बेड बन गया, ब्रेड नहीं बेड। तो चलिए चलते हैं, पर उससे पहले एक और काम कर देते हैं, अगर वहाँ पे मरवर गए काफ़ी खतरनाक हैं तो वो स्पॉन होंगे हम यहाँ पे, तो उसके लिए पहले ये बेड तोड़ के थोड़ा सेफ जगह पर रख लेते हैं, जो कि है नीचे, ताकि यहाँ पे कोई नहीं स्पॉन होने वाला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट है यहाँ पे, तो कोई
ऐसे मॉब वॉब स्पॉन नहीं होगा, तो उसके लिए बेड रख लेते हैं अपन नीचे। उसके लिए आई गेस ये जगह सही है, और यहाँ पे अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देते हैं। ये हो गया अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट, हाँ हो गया हो गया। एंड अपना एक्स यहाँ पे रख लेते हैं, ये भी यहीं पे रख लेते हैं, और दूसरा बेड वहाँ पे जाके उससे हम वो कर लेंगे डे नाइट को डे में कन्वर्ट, क्योंकि डबल डबल मेहनत, साथ में प्लेजर से दोस्ती करो और फिर दूसरे दोस्त भी आ जाएंगे, तो उनसे अभी एक बार बच के ही रहना है। तो चलिए देखते हैं, पहले एक थोड़ी स्ट्रेटजी बना लेते हैं, तो कैसे उनको हम मतलब कैसे उनसे फ्रेंडशिप करेंगे, और हो सकता है तो एक आधे को इधर भी लेके आएंगे, ऐसे गुड लक चाओ। तो स्ट्रेटजी ये है सिंपली, पहले तो हमको दूर से देखना है उनका, क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या कर रहे हैं, और उसके बाद अच्छा सा मौका देख कर हम जाएंगे उनको अप्रोच करेंगे उनको उनके पास। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहले इस पहाड़ पे ऊंचाई पे जाके देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और मूड कैसा उनका। भाई मेरे को तो काफ़ी डर लग रहा है यार, लेकिन काफ़ी पावरफुल है यार वो, और ऐसे तीन चार गैंग बैंग कर देते हैं, तीन चार इकट्ठे आके। यहाँ से कुछ दिख पा रहा है? नहीं, यहाँ से कुछ खास नहीं नज़र आ रहा है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। पहले इधर से घूम के आते हैं, चारों तरफ देखते हैं कि क्या हमको मिल सकता है। वो दिख रहा है एक तो, हाँ हो रहा, और उसी के साथ आसपास कोई दिख तो नहीं रहा है। धीरे धीरे नीचे से चलते हैं, लोग पहले हेल्थ कम कर ली। कोई और है? नहीं, कोल है यहाँ पर, तो कोल की तो अभी ही जरूरत नहीं है, केव भी है तो कोई टेंशन नहीं। खाना खा के हंगर बार को फिल कर लेते हैं, और चलते हैं ऊपर की तरफ। इस साइड क्या है, बाद में देखेंगे क्या है। ओहो ये अच्छी जगह है, हथियार ले लेते अपने हाथ में, काफी कोल यार यहाँ पे आराम से मिल जाएगा कोल तो। अभी दिख रहा है काफी लोग हैं यहाँ पे, एक और है, एक और है, एक इधर है, एक वहां पर भी है, तो देखते हैं इनके पास इनकी केव में क्या है। और यहाँ पे एक और चीज दिख रही है, इतनी सारी शीप्स, उस साइड एक भी नहीं स्पॉन हो रही थी, यहाँ पे सभी इधर ही हैं। चलिए थोड़ा और घूम के देखते हैं कि क्या पता लगे कितने नंबर है इनका, और इनके पास कोई हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें जो हेल्प कर पाए। इस साइड क्या है भाई? ओ भाई साहब, क्या ही मस्त लोकेशन पे विलेज मिला है। पहले तो यानी पहले अपन ऊपर ही जाएंगे, पहले तो विलेजर के पास ही जाएंगे, मतलब ऊपर से देख लेते हैं। ओ भाई साहब, वहाँ पे दूर आयरन कॉलम दिख रहा है भाई, एक बंदा टॉप पे है, शायद एक और भी उसके साथ, और आधे बंदे नीचे। क्या ही लोकेशन है यार इस विलेज की, हाँ इस तरह खतरनाक लोकेशन लेके बैठे हैं यार ये लोग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विलेजर पोस्ट के आसपास चांस होते हैं कि विलेज होता ही है मोस्टली, तो भाई साहब, और ये पहाड़ मतलब क्या ही फुल मस्त तरीके से कटा हुआ है। तो चलिए अपने ना प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्टिव है, पहले उसी को उसी की तरफ देखते हैं कि क्या कर पाएंगे। अरे भाई साहब इतने सारे पिलेजर, और वहाँ पे शायद आयरन कॉलम को कैद करके रखा है। अरे भाई क्यों डरा दी, क्यों डरा दी। चलो देखते हैं थोड़ा और इधर कि सच में आयरन कॉलम ही है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका तो वही है कि हम अपने आयरन गोल को आज़ाद करवा के ना थोड़ा उसकी हेल्प लें, पर पहले ये लोकेशन एक बार और देख लेते हैं। क्या ही मस्त लोकेशन, अरे इधर भी क्या ही गहरी गुफा है, और वो तो कमाल ही है भाई साहब, बिल्कुल डीप जाती होगी वो गुफा तो। चलो और ये विलेज वो भी प्राइवेट एरिया पाई ने लिए हुए, चलो
तो अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलो अभी देखते हैं ये विलेजर का क्या सीन है। यहाँ पे है कोई आसपास? वो क्या है? पिंक शीप है क्या? शायद काफी रेयर होती है ना, उसको लेके चलेंगे अपने दोस्त वहां पे। एंड उससे पहले कहाँ पर है विलेजर? किसी चीज पे देखना, जैसे बोलेगा कि देखते हैं क्या बताते हो, कोई इन्फॉर्मेशन देगा क्या? है कौन? किसी को मिला? कोई एक थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। एक ही जगह जहाँ पे वो उन्होंने आयरन कॉलम को कैद करके रखा है, वो वहां पे स्पॉन हुआ है शायद। हमको देखने नहीं, हमला करते हैं क्या यार उनको? पता लगे गर्दन तोड़ दे मेरी। हाँ आ गया, आ गया। आदा भाई थोड़े पीछे तो है भाई, तेरे इसको थोड़ा अलग लेके चलते हैं भाई। आएगा ना पीछे? हाँ आ गया, आ गया। आदा आदा थोड़ा और पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। क्या भाई किस चीज का गुस्सा? भाई गर्दन और भी आ गए। को पैंचो मार दी भाई साहब। भाई साहब क्या रे, बार बार मुझे भैसा भैसा बोल रहे? खतरनाक खतरनाक। आ रहे आ रहे। एक और लगा और मैं गया काम से। भागो 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 भाई, भाई भागो। चलो ये तो मर गए भाई साहब, बहुत खतरनाक है। कितने तीर मारे हैं यार? तो रात की होगी, अभी डे कर लेते हैं। ज़ॉम्बी वोम्बी से तो ना। ओ भाई साहब कितने ज्यादा तीर मारे हैं यार, इनसे पंगा लेना ना भी बहुत खतरनाक है। उठ जा भाई पैर। ओ भाई साहब देखने में कहां कहां मारा यार, एक तो नाक में घुसा दिया, एक सिर दो सिर में, आगे भी है पीछे भी है क्या? कुछ नहीं, पिछवाड़े में नहीं है, बच गए सामने से इतना में। भाई साहब इनसे अभी तो पंगा नहीं लेना, कितनी ज्यादा हेल्थ कम करती थी यार, और अभी भी कम ही है, अभी कौन सा। तो भाई इनसे तो नहीं पंगा लेना है, तो इनसे ना थोड़ा और ज्यादा तकड़ा आर्मर, जैसे डायमंड कार्वर लेके आए यार, उससे पहले इनके साथ बनाते हैं क्लो। भाई ये पीछे नहीं छोड़ेंगे यार, इनसे पंगा है। अच्छा एक बंदे को लेके आते हैं, एक आने वाला है क्या यार? आएंगे भी दो दो ये साल, ग्रुप में आते हैं, अकेले अकेले आते भी नहीं। तो एक अकेला किस साइड है उसको लेके चलते हैं, शायद उस साइड है ना भाई साहब। हालत बुरी कर दी थी, शील्ड की हालत भी अभी इतनी खराब नहीं हुई है, और अभी इनसे पंगा नहीं लेना है, ये तो पक्की है। अपने सभी शील्ड भी ले चलते, फिर अपने पास अभी वेट ही नहीं है। कोई नहीं, पिंक वाली है वहीं पे ना, हाँ उसको लेके चलेंगे। अभी इनमें से एक को लेके चलते हैं घर, और भाई इनसे लड़ने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जब तक अच्छा खासा आर्मर नहीं आ जाएगा ना। आ गया, एक आ रहा है। आई गेस एक आ रहा है।
ये कौन है? चंटू भाई, वो कितना तेज है यार, मिनटों में पहुंच जाता है। इसका नाम है भाई चंदू, इसको लेके चलते हैं घर पे। वो आ रहा है तो अभी आ रहा होगा मेरे हिसाब से अभी। देखते हैं पीछे मुड़ के आ रहा होगा, पक्की बात हो, पीछा नहीं छोड़ता। एक बार आना छोड़ दिया क्या? हाँ, मुझे को तो लगा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं यार वो। तो चलो देखते हैं, अभी मिलेगा नहीं, मतलब डिस्काउंट हो जाएगा वो जल्दी, फिर भी कोशिश करते हैं। कहाँ पे रह गया भाई तुम? भाई साहब इतने खतरनाक है ना ये बंदे। तीन तीन ने घेर लिया था, है कोई क्या इधर आसपास कोई? एक अकेला। इतनी सारी शीप है यार इधर तो, पर कोई नहीं, विलेजर कहाँ पे? ये एक अकेला है ना आई गेस। आएगा ना? आ रहा है यार वैसे थोड़ा एक। हाँ, आजा आजा भाई, तेरे को कह रहा हूँ। हेलो गाइस, ये है हमारा फ्रेंड चंदू और उसके साथ हम बनाने वाले बना रहे हैं अपने लाइफ का माइनक्राफ्ट का पहला व्लॉग। तो से हेलो, इनका प्यार दिखाने का तरीका बहुत अलग है, जैसा कि आहा भाई सिर में मारा उसने, देखे भाई इतना भी क्या गुस्सा यार। एक ना बोट बना लेते हैं और उसमें रखने वाले हैं इसको। तो बोट बनाने के लिए भाई मार मत दियो इतने में, रुक यार। ये बोट को रखते हैं यहाँ पे। अरे यार अच्छा, हाँ 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 बैठ गया भाई यार अभी। अरे गुस्सा करना छोड़ ही ना रहा यार, वो भाई पीछे से भी मारता है क्या इससे यार? ये इसको तो बहुत पास बिठा ले यार। चलो यार दोस्त है अपना, प्यार देता रहेगा अपने को, यहाँ तो नहीं मारेगा ना भाई, इसके तो पास के ये तो पेल देगा। चलो कोई नहीं, कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। ये सीधा खोपड़ी में मारा यार उसने, ये फिर से नाक में एक और। चलो अब इतने टाइम तक अकेले थे इस माइनक्राफ्ट में, चलो कोई एक फ्रेंड तो मिल ही गया अभी। सही है, कितनी पास जाने पे ये मारता है। यहाँ पे यहाँ पर मेरे को लगता है यहाँ से मारता है ना, यहाँ पे ओके है, नहीं मार रहा यहाँ पे। सही है, यहाँ पे तो यूज कर सकते हैं ना अपन। अरे यार ये क्या किया मैंने, इधर डाल दिया। ये फूड यहाँ से निकाल लेते हैं और दूसरी जगह पे रखा लेंगे। और यहाँ से कोल भी है, कोल नहीं चाकोल, तो चाकोल भी यहाँ पे डाल देते हैं। तो अपना फ्रेंड भी अभी साथ में आ गया है। तो आज के लिए आई गेस काफी है,
आज हमने एक फ्रेंड बनाया है जो कि है चंदू, जो कि काफ़ी वियर्ड है, और उसके साथ हमारा पहला व्लॉग भी बनाया जो कि काफ़ी शॉर्ट था, और उस व्लॉग में हमको काफ़ी सारे गिफ्ट भी मिले जो कि आप देख ही पा रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और उस साइड में जो विलेज है उसको भी हम एक्सप्लोर करने वाले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, बट इससे इनसे बच बच के जाना है। स्माइल इधर देख रहा है बट मान नहीं रहा है, दोस्ती तो हो गई है, चलो कोई नहीं। और ये एरो भी गायब होने लगे धीरे धीरे, कुछ मिलता मिलता नहीं, ये एरो मारते हैं तो नहीं मिलता, कोई बात नहीं। तो उस विलेज को एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं उस विलेज में क्या मिलता है, एंड उसके बाद हम जाएंगे माइन अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल माइने नहीं डायमंड माइन करने, क्या ही बोल रहा है यार, माइने डायमंड, ठीक है डायमंड माइन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और वो उससे नेक्स्ट एपिसोड में, इससे इसके बाद तो हम विलेज को एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या मिलता है, और थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे कि विलेजर्स को अपने इस एरिया में कैसे लाएंगे। बट उससे भी पहले हमको बनाना पड़ेगा एक अपने लिए हाउस, तो वो तो मैं सोच रहा हूँ कि डीप वाले डार्क ब्लॉक्स हैं ना उनसे बनाने का, उनका बेस और डार्क वुड से, तो उसका कुछ सैपलिंग्स हैं हमारे पास, हाँ तो ये वाली सैपलिंग्स हैं ना यहाँ पे, एक इनसे स्प्रूस सैपलिंग्स, इनसे बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए आई गेस काफ़ी है, नहीं एक काम और कर सकते हैं, पर हमारे पास वेट नहीं है यार, वेट इधर पड़ा है, अरे यार शीप लेके आते हैं वो पिंक वाली, चलो नेक्स्ट एपिसोड में वो करेंगे, शीप लेके आएंगे और साथ में उस विलेज को देखेंगे, पर इनसे अभी तक बच के रहना भाई, जब तक डायमंड आर्मर नहीं आता ना इनसे बच के रहना, बहुत मारते हैं यार, घेर लेते हैं 3-4। तो चलिए गाइस आज के लिए काफ़ी है, और उसी के साथ अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, और उसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट, एंड अगर कुछ भी है तो कमेंट कीजिए। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम करने वाले हैं विलेज को एक्सप्लोर, और एक रेयर शीप को लाने वाले हैं अपने इस फार्म में जो कि है पिंक आई गेस पिंक शीप। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।